हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें दो आर्क दे रखे हैं जो कि एक दूसरे से वायर की वजह से वायर से कनेक्टेड है, एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। एक आर्क ये वन है और ये टू है जो कि, और ये वन और टू वायर से कनेक्टेड है। और ये जो दोनों आर्क हैं ये एंगल थीटा बनाते हैं सेंटर ओ पर। जो आर्क वन है, उसकी रेडियस ए है और आर्क टू है उसकी रेडियस बी है ना। ए और बी रेडियस दोनों आर्क की एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। हमें सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, पहले आप अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो जब भी हमें क्लोज्ड लूप दे रखा होता है तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं। मतलब ब्रेक वर्चुअली करते हैं, एक्चुअली नहीं ब्रेक करते ना, कहाँ पेज फाड़ दोगे। तो फ्रेंड्स, हम अगर इस वायर को देखें, इस पर्टिकुलर वायर को देखें है ना, जिसको मैंने फोर नेम दिया है, और इस वायर को देखें थ्री, इसको मैंने थ्री नेम दिया है। तो इस वायर के लिए जो पॉइंट ओ है वो अलॉन्ग द वायर है। और फ्रेंड्स, अलॉन्ग द वायर के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो आती है, अलॉन्ग द वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो ज़ीरो आती है। तो बी थ्री और है ना, इन केस ऑफ थ्री एंड फोर ओ इज अलॉन्ग द वायर, तो बी फोर और बी थ्री की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। थ्री और फोर की वजह से जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू आर्क शेप्ड करंट कैरिंग वायर हैविंग एंगल थीटा है ना, किसी भी करंट कैरिंग आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए इंटू थीटा, और थीटा किस में हो, रेडियन में हो। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो आर्क है, एक आर्क है वन, एक आर्क है टू। फ्रेंड्स, जो आर्क वन है उसमें आप करंट देखो कैसी है, उसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और जो वायर टू है ना, जो आर्क टू है उसमें करंट देखो तो कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला में देखो आई बाई ए, बी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए थीटा। तो ए जो है, थीटा जो है, दोनों के लिए वो सेम है, वन और टू के लिए थीटा सेम है। लेकिन फ्रेंड्स, जो रेडियस है दैट इज आई बाई ए, जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, बी है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। और फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो जो वायर वन है उसकी रेडियस छोटी है, तो जो बी वन है वो ज़्यादा होगा है ना, क्योंकि ए जो है वो छोटा है बी से, इसलिए जो बी वन जो है वो ज़्यादा होगा बी टू से, तो फ्रेंड्स, बी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए, इसकी रेडियस क्या है, आई बाई ए इंटू थीटा, एंगल थीटा सेम रहेगा। और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी, अभी डिस्कस किया हमने ना, क्योंकि करंट एंटी क्लॉक वाइज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। और बी टू, ये जो बी टू है इसकी वजह से बात करें अगर, तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन बी, रेडियस बी इंटू एंगल थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड और कैसी, क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है। नाउ ये हमने डिस्कस किया, बी ग्रेटर देन ए है इसलिए बी वन ग्रेटर देन होगा बी टू के। तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी वन माइनस बी टू, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई थीटा वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक फील्ड एट बी की।
तो फ्रेंड्स इतना ही सिखाना था इस क्वेश्चन में, मिलते हैं।